शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्कर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुक्रमः। आदर और सम्मान के योग्य आचार्यवर वीरेंद्र पांडा जी हमारे इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले, प्रचारित प्रसारित करने वाले माननीय भाई परवीर जी और उनके साथ ही सभी सदस्यगण, और इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे पुणे से माननीय कर्नल साहब को मैं देख पा रहा हूँ, कर्नल पाटिल साहब जुड़े हैं, और विशाखापट्टनम से मेरे स्नेही प्रदीप आर्य जी जुड़े हैं जो नेवी में हैं, और भी कई लोगों को मैं देख रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी है इस बात से कि उड़ीसा युवा आर्य समाज की ओर से हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस बीड़ा को उठाया है, ये रोजाना ये कार्यक्रम निरंतर इतने दिनों से ये चला रहे हैं, और रोज रोज नए नए विद्वानों को आमंत्रित करते हुए उनके विचारों द्वारा वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, वेद क्या है, धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, हमारे विद्वान जन रोजाना इस पर विचार आप लोगों को देते रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं भी कई बार इस कार्यक्रम को अटेंड कर चुका हूँ, कई विषयों पर मैं प्रकाश डाल चुका हूँ, और अभी चल रहा है गुरु परंपरा के सही अर्थों में हमारे सदगुरु कौन है, सदगुरु को हम कैसे जानेंगे, सदगुरु को जाने बिना किसी का शिष्य बनना यह मानवता विरोधी है। तो सतगुरु जानने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो वैदिक विद्वान हैं, वेदज्ञ पंडित हैं, वेद के ज्ञाता हैं, वेद के जानकार हैं, वही सतगुरु कहला सकते हैं, और वो विचार मैं ऋषिवर देव दयानंद से ही कोट करके बताया था। लेकिन आज दुनिया में भरमार हो रहा है गुरुओं का, जैसे आप लोगों ने पिछले दिन भी देखा और बहुत दिनों से चलता चला आ रहा था, ये आचार्य रजनीश का नाम आप लोग भी सुने होंगे, आचार्य रजनीश को भी गुरु के नाम से दुनिया ने जाना है। पर मैं आप लोगों से आज निवेदन ये कर रहा हूं कि आचार्य रजनीश को जहां तक लोगों ने गुरु कहा, गुरु बोला, तो आचार्य रजनीश की दुकान विदेश में क्यों नहीं चली, दुकान छोड़ करके उन्हें भागना पड़ा। केवल आचार्य रजनीश नहीं, ऐसे ही अनेक गुरु और भी कहलाए। मैं फिर बता रहा हूं सबका नाम, प्रायः जितने को मैं याद रखा हूं, कि साईं बाबा हो, देवराहा बाबा हो, आचार्य रजनीश हो, जय गुरुदेव हो, सीताराम ओंकारनाथ हो, राम ठाकुर हो, बालक ब्रह्मचारी हो, प्रभात रजन सनका सरकार हो, धन धन सदगुरु हो, सतपाल महाराज हो, आचार्य रजनीश जिनकी चर्चा मैंने अभी की, तो इन सबको प्रायः मैं जानता हूं। और इनमें से कितने गुरु का नाम मैं लिया जिनका जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था, तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी बंगाल मना जब, या पूर्वी पाकिस्तान ही था, तो उस समय उनकी दुकान नहीं चल पाई वहां, तो अपनी दुकान चलाने के लिए इसी भारत को ही याद किया, या भारत के शरण में आए।
तो भारत के लोग इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं, ये भाव में बह जाते हैं भारत के लोगों को सही और गलत का पसंद नहीं है, सही और गलत की पहचान नहीं है, सही और गलत का परिभाषा नहीं है। और मैं निरंतर कई पोस्ट लिख रहा हूं, आज भी फेसबुक में था, कल भी था, इससे आगे भी था। तो भारत के लोग आलसी और प्रमादी होने के नाते इन्होंने सच्चाई को अपने जीवन में उतारना तो दूर की बात, सच्चाई को सुनना भी पसंद नहीं किया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूं, जो आज मैं लिखा भी, जिसका नाम अल्लामा इकबाल था। जो अल्लामा इकबाल जब भारत में थे तो भारत में रह करके उन्होंने एक तराना लिखी जिसको तराना नाम दिया गया, और उसमें वो ये कहते रहे कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदू नहीं, कहीं आप लोग ये समझने लगे कि हिंदू है हम वतन, हिंदी है हम वतन है, उन्होंने हिंदू नहीं बोला, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब उन्होंने उसी तराना में ही बोला कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पर बंधुओं, ये बात अगर सही होती, ये बात अगर सच होती, तो फिर वो पाकिस्तान क्यों गए? पर हमारे भारतवासियों ने इस पर चिंतन ही नहीं किया, भारतवासियों ने इस पर सोचने के लिए भी तैयार नहीं हुई। अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बात अगर सही है, सच है, तो इस लेखक को, लिखने वाले को खुद पाकिस्तान का शरण क्यों लेना पड़ा? भारत में भी रह सकते थे, और भारत में जाते ही इस तराना को बदल दिया उन्होंने। और पाकिस्तान जाते ही उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, या हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा बोला, वहां जाकर के मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा ये बोला। लेकिन आज तक हमारे भारतवासियों ने इस पर चिंतन और विचार नहीं किया। जो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना बोल रहे हैं, और मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिया हूं, एक दो दिन में, आज 38 वर्ष में लगा हूं इस काम को करने के लिए। आज के लेख में मैं उसके उल्लेख किया हूं। तो जितने गुरु का नाम मैं सुनाया आप लोगों को, इन गुरुओं में से एक दो गुरु को मैं जानता हूं कि जिनका जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ, या पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान था, तो उस समय उनकी दुकान नहीं चली और वो अपनी दुकान चलाने के लिए भारत के शरण में ही आना पड़ा। तो मेरा सवाल ये है भारतवासियों से कि इन गुरुओं की दुकान जब विदेश में नहीं चलती तो भारत में इतनी अच्छी क्यों चलती है? एक अहम सवाल मैं आज उठा रहा हूं कि इन गुरुओं की दुकान जब विदेश में नहीं चलती तो भारत में इतनी अच्छी क्यों चलती है? जैसा मैं बोला ना कि ये रजनीश भी विदेश से अपनी दुकान को छोड़कर भाग आए थे, और भारत में आकर के पूना में ही, जहां से हमारे माननीय पाटिल साहब जुड़े हैं, कर्नल साहब, पूना में ही उसका आश्रम है। तो विदेश में जब इन लोगों की दुकान नहीं चलती तो भारत में इतनी अच्छी क्यों चलती है? इसका क्या कारण है? इसका कारण जो मैं ढूंढा, जो मुझे मिला, वो मैं बता रहा हूं। इसका कारण ये है कि भारत के लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, ये भाव में बह जाते हैं, ये परिश्रम करना नहीं चाहते, मुफ्त खोर हैं, मुफ्तखोरी में विश्वास रखते हैं, और आलस और प्रमाद को इन्होंने अपने से अलग नहीं किया। ये आलस और प्रमाद में आच्छादित हैं, इसलिए परिश्रम करना न पड़े और मुफ्त में ही माल मिल जाए और गुरु के द्वारा मिल जाए, हमें मेहनत करना न पड़े, हमें परिश्रम करना न पड़े, गुरु के द्वारा ही हमें माल मिल जाए। यहां तक के गुरुओं से तो जो किया सो किया, ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं, और जो कभी भी संभव नहीं है। ये लोग ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम भारत के लोग अपने को इतना
सब कुछ मानते हैं कि वैदिक परंपरा के अंतर्गत हमारे सारे ऋषि मुनि इसी देश में आए, सहा महापुरुषों का जन्म हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे लोग इस देश में आए, योगेश्वर कृष्ण जैसे महापुरुष इसी देश में आए, लेकिन इस देश वालों को क्या हो गया? कौन सी शैतान की नजर लगी जो अपने लोगों पर विश्वास न करके बाहर से जो कोई कुछ बोल दे उसी पर ही ये विश्वास करते हैं? जैसा प्रमाण दे रहा हूं, जैसा ऋषि पातंजलि ने प्रचार किया हमारे इसी देश में योग के नाम से, योग योग के नाम से प्रचार किया, लेकिन हमारे भारतवासियों पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। अब विदेश वालों ने जब इसी योग को योगा बना करके दिया तो आज प्रचार हो रहा है। योग को योगा बना करके दिया तब प्रचार हो रहा है। भाई योग और योगा में अंतर क्या है, भेद क्या है, इसको जानने का प्रयास नहीं किया। ठीक इसी तरीके से जब हमारे देश के लोग राम राम पुकारते थे, राम राम का रट लगाते थे, तो हमारे लोगों पर कुछ भी असर नहीं हुआ। लेकिन उन विदेशियों ने जब रामा बना करके दिया तब लोगों पर असर हुआ। केवल इतना ही नहीं, जब हमारे देश के लोग योगेश्वर कृष्ण को कृष्ण कृष्ण चिल्लाते रहे लेकिन भारतवासियों पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ, जब उन मूर्ख अंग्रेजों ने कृष्णा बना करके लिया, और हमारे सामने में ही मैं ये देख रहा हूं कोई भाई कृष्णा आर्य लिखा है। भाई एप्रोप्रिएट उच्चारण कृष्ण होना चाहिए या कृष्णा होना चाहिए? कृष्ण पुल्लिंग है, कृष्णा स्त्रीलिंग है। एक पुरुष को स्त्री बना देना कौन सा पढ़े लिखे लोगों का काम होगा? भाई ये दुर्भाग्य है हमारा देश का। हमारे देश के लोगों ने इस पर चिंतन और विचार नहीं किया और कृष्ण और कृष्णा का भेद नहीं जाना, राम और रामा का भेद नहीं जाना, योग और योगा का भेद को जानने का भी प्रयास नहीं किया। और ये सारा प्रचार गुरु बनकर के ही दिए हैं भाई, ये सारा प्रचार गुरु बनकर के दिए हैं। अब कृष्णा स्त्रीलिंग है और कृष्ण पुल्लिंग है, तो अगर एक पुरुष को स्त्री बना देंगे ये संभव है? और यही तो नाटक खेलते हैं हमारे भारत के लोग, चाहे वो रामलीला मैदान में खेले, राम नवमी के समय में खेले, और कृष्ण के नाम से कृष्ण जयंती पर खेले, ये सारा काम तो हमारे लोग कर रहे हैं ना। जब हमारे लोग ही खुद सत्य और असत्य का पहचान नहीं करेंगे तो उन गुरुओं को कहां तक दोष देंगे हम? हमारे लोगों को पहले ठीक करना पड़ेगा, हमारे लोग पहले ही सही और सच्चा पाठ को याद करना पड़ेगा। जब तक सही और सच्चा पाठ को याद नहीं करेंगे तो जीवन का सफल बनाया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो गुरु पूर्वी बंगाल में जन्म हुए तो वो भारत में आए और भारत में आकर के ये नारा लगाने लगे, जय अल्लाह वही राम, राम नारायण राम। अब इनका नाम था जय गुरुदेव, इनका नहीं जय गुरुदेव ने, इनका नाम था बालक ब्रह्मचारी। हमारे यहां पर कहीं ब्रह्मचारी बालक है तो कहीं वृद्ध है, कहीं ठाकुर अनुकूल है तो प्रतिकूल है। हमने जानने का प्रयास नहीं किया कि कौन सा अनुकूल है कौन सा प्रतिकूल है, कौन सा ब्रह्मचारी बालक है कौन सा ब्रह्मचारी वृद्ध है, हमने जाना नहीं। और वो यहां नारा लगाने लगे भारत में आकर के, जो अल्लाह वही राम, राम नारायण राम। अरे जो अल्लाह वो राम क्यों और कैसा होना संभव होगा? अगर ये नारा सही है ठीक है तो फिर मुसलमानों से क्यों नहीं बुलवा पाए भाई? आज तक किसी मुसलमान ने इस नारा को लगाया? कोई ईसाई ने इस नारा को लगाया? लेकिन ये हिंदू इतने आलसी हैं, प्रमादी हैं, ये अपने को तो जानता ही नहीं है, दूसरे को पहचानने का हिम्मत ही नहीं है, दूसरे को पहचानने की हिम्मत ही नहीं है इनमें कि वो क्या बोल रहे हैं।
अगर हम ये जान गए होते कि हमारे लोगों ने जो तो किया किया, लेकिन बाहर वाले दूसरे लोग हमारे प्रति क्या ख्याल रखते हैं, हमें उसको भी जानना चाहिए। जैसा आदमी जहाँ रहता है अपना अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी जानता है, पहचानने का प्रयास करता है कि नहीं ये कैसे विचार के लोग हैं। लेकिन हमारे देशवासियों को वो चिंता नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि जब रजनीश की दुकान विदेश में नहीं चली, वो दुकान छोड़ करके भाग आए और भाग करके पूना में आश्रम खोल करके उन्होंने प्रचार किया। और प्रचार किया क्या लोगों में? संभोग से समाधि। फेल हो गया ये मंत्र, उसका फेल हो गया। अब संभोग से समाधि ये कैसे संभव होगा? पर दुनिया वालों ने सही अर्थों में जाना इसको, इसलिए वहां दुकान इनकी चल नहीं पाई। भारत में धड़ल्ले से चल रही है। आज भी बहुत सारे रजनीश के चेले हैं, आज से बहुत सारे रजनीश के फॉलोअर्स हैं। इसको जानने का प्रयास नहीं किया। मैं गया पूना में, उनके आश्रम में भी देखा, वहां पर निर्वस्त्र लोग रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये मेरा ये है, ये सब गुरु बन करके ही दुनिया वालों को ठगने का प्रयास किया है, और उनके चंगुल में जो फंसते हैं उन्हें भी सही और गलत का ज्ञान नहीं है। वो जानने का प्रयास ही नहीं करते कि सही क्या और गलत क्या है। अगर सही और गलत की पहचान करते होते, सही और गलत को जानने का प्रयास करते होते, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन हमने जाना नहीं। इसी तरीके से जो राम नारायण नाम उसका नाम था, और उसने अपने नाम के साथ जोड़ दिया जो अल्लाह है वही राम है। अब ये क्यों संभव नहीं हुआ, जरा देखिएगा, जरा विचार करके, कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है बताते हैं, और जो अल्लाह है वही राम है ये बताते हैं। आइए जरा हम विचार करते हैं, हम पड़ताल करके देखते हैं कि यह सच है या गलत, सही है या झूठ। जरा विचार करें कि जो राम है वही अल्लाह है, तो राम तो राजा दशरथ के घर में संतान के रूप में आए। राजा दशरथ के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने माता पिता के घर में जन्म लिया, और अल्लाह अजन्मा है। अब इन अकल के दुश्मनों को इस पर सोचने और विचार करने की भी सलाहियत नहीं है, वो सोचने और विचार करने के लिए भी तैयार नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। जो बोल रहे हैं कम से कम समझदारी के साथ बोलना चाहिए ना, भाई अल्लाह कोई है, राम कोई है, राम का जन्म हो रहा है, राम जन्म ले रहे हैं, और अल्लाह का जन्म नहीं होता, अल्लाह अजन्मा है, तो ऐसे अजन्मा को जन्म लेने वाले के साथ कैसे जोड़ेंगे। आज तक ये हिंदू नहीं जाना कि तो जो अल्लाह है वही राम है, ये केवल हिंदू कहलाने वाले ही कहते हैं। आज तक किसी मुसलमानों ने इस बात को नहीं कहा। मुसलमानों को पता है, मुसलमानों को पता है कि अल्लाह राम नहीं है या राम अल्लाह नहीं है, और अल्लाह अगर है तो वो हम लोगों के लिए है, राम वालों के लिए नहीं है, ये भी जानते हो। लेकिन हमारे वाले ये जानने का प्रयास ही नहीं किया कि अल्लाह भी हमारे हैं क्या। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं अल्लाह ने साफ मना किया, अल्लाह ने कहा कि नहीं, ला यत्तखिज़ुल मोमिनूना काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَكٍّ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ। एक जगह नहीं, कई जगह इसकी चर्चा आई है कुरान में। ये मैं आप लोगों को सुनाया, पारा नंबर 3 सूरह अल इमरान आयत नंबर 28। जिनके पास कुरान है वो मिला करके देख लेना, कहीं गलतफहमी के शिकार बन जाए आप कि महेंद्र पाल जी झूठ बोलते हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 28, यही आयत सूरह अन्निसा आयत नंबर 144, यही आयत सूरह मायदा आयत नंबर 57, और यही आयत सूरह मुजादला के अंदर में आया है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, लफ्जी माने क्या है, सुन लीजिएगा बंधुओं।
अल्लाह ने कहा कि मुसलमानों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। किसको? काफिरों को, गैर मुस्लिमों को दोस्त ना बनाओ दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते इन काफिरों से तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। तो इस्लाम के मानने वाले कुरान पर अमल करेंगे या वेद पर अमल करेंगे? लेकिन वेद में ये बातें नहीं है, इसीलिए तो मैं बोला कि वेद के ज्ञाता, वेद के जानकार ही गुरु कहला सकते हैं, क्योंकि गुरु के पास कोई भेदभाव नहीं होता और परमात्मा के पास भेदभाव नहीं है। परमात्मा का उपदेश है मित्र स चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षा महे। परमात्मा ने मानव मात्र को उपदेश दिया, ये केवल नहीं कि आर्य समाजियों को उपदेश दिया या सनातनियों को उपदेश दिया या भारतवासियों को उपदेश दिया, ऐसा नहीं है। परमात्मा को उपदेश बनी नव इंसान के लिए है, संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव मात्र के लिए है। और क्या बोला परमात्मा ने, क्या उपदेश दिया कि अय मानव तुम संतान हमारे हो, अपने नजर से तमाम जीवों को, तमाम प्राणियों को मित्र के समान देखो, दोस्त के बराबर देखो। वहां दोस्ती रखने के लिए मना किया और हमारे यहां परमात्मा का उपदेश है कि मित्र सा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे, अपने नजर से तमाम जीवों को मित्र के समान देखो, मित्र के बराबर देखो। ये उपदेश वेद को छोड़कर के कहां पाएंगे कोई? और ये कोई गुरु जानता भी नहीं है ये उपदेश, के वेद का उपदेश वो देते आपको इन गुरु, इसीलिए तो मैं पहले दिन ही बोला था ये गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। और इन्हीं गुरु घंटालों के चक्कर में आकर के हमारे देश के लोग, विशेष करके भारतवासी, उनके चंगुल में फंस करके अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। इनको सही पसंद नहीं है, सच पसंद नहीं है। उन्हें गुरु मान करके, उन गुरुओं की बातों को मान करके, सच मान करके उन पे अमल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। सच तो यह है जो परमात्मा का उपदेश है, क्योंकि पूर्व शाम अपने गुरु परमात्मा के लिए कहा गया है। और वेद में भी आया सनो मंदुर जनिता सविधाता धामानी वेद भुवनानी विश्वा यत्रा देव अमृतमान शान स्थित धामन्न धैर तय लोगो। वो परमात्मा, शब्द पर ध्यान देना, ऐ लोगो वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान, सब लोगों के माने आर्य समाजियों के नहीं, युवा आर्य समाज का नहीं और हम जैसे वृद्ध आर्य समाज के लिए नहीं। ऐ लोगो वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है। गुरु तो परमात्मा है, परमात्मा को छोड़ करके और ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं है। लेकिन आज तो ये हमारे लोग जो कुछ कह दे वो कान में कहेंगे, जोर से भी नहीं बोलेंगे, उनके कान में कह देंगे, किसी और को कहना मत। भाई अगर आपने किसी के कान में कुछ कहा, अगर वो दवा है, वो उनके जीवन को सफल बनाने वाली दवा है, तो उसके सामने में जो बीमारी उसकी लगी थी, वही बीमार आदमी अगर उसके सामने आए तो वो दवा क्यों नहीं दे सकते? क्या गुरु नहीं चाहते औरों का जीवन भला हो, औरों को भी, औरों का भी भला हो, औरों का जीवन अच्छा हो, औरों का जीवन भी कल्याणमय हो, ये नहीं चाहते? गुरु ने मना किया, गुरु ने कहा ऐसा नहीं होगा, ना पत्नी पति को बोल सके और ना पति पत्नी को कह सके। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इन गुरुओं को हमने जानने का प्रयास नहीं किया कि जो हमारे जीवन को सफल से सफलतम की ओर ले जाने के बजाय हमें अंधकार में ढकेल दें। तो पिछली बार मैंने चर्चा किया था कि आज भारतवर्ष में सदगुरु कहा जा रहा है कबीरदास को, संत कबीरदास को। और कबीरदास ने क्या बोला? कबीरदास ने बोला कि कबीरा मन निर्मल भयो जिस गंगा की नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। हरी यहां परमात्मा को कहा गया है, अब हरी पीछे फिरेंगे किनके? कबीर के।
तो परमात्मा को कोई चिंता थोड़ी है कि कोई मेरी उपासना करे, कोई मुझे बुलावे या ना बुलावे। अरे बुलावे, हम अगर बुलाएंगे तो ये हम अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे, हम अपना दायित्व का पालन करेंगे। हम मानव जो ठहरे और एक मानव को छोड़ करके कोई अन्य प्राणी परमात्मा की उपासना नहीं कर सकता। तो ये सौभाग्य तो हमें प्राप्त हुआ है। और वो कबीर परमात्मा को अपने पीछे फिरा रहे हैं जैसा परमात्मा का बाप बना बैठा। परमात्मा को यह आवश्यकता नहीं है किसी की इबादत की उपासना की। केवल इतना ही नहीं, कबीर ने क्या कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले ही बनाए, ताको मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात मस्जिद में जो अजान लगाई जाती है ना, सोनू निगम ने पिछले दिन बंबई में जो प्रतिवाद किया था कि भाई हमारी नींद खुल जाती है, तो उसी अजान को कबीर ने बाक बोला कि इतना जोर से चिल्ला रहा है क्या अल्लाह बहरा हो गया। लेकिन उस कबीर को यह मालूम ही नहीं है कि वो अल्लाह के लिए आवाज नहीं है, वो आवाज है नमाजियों के लिए। इसलिए उसमें बोल ये बोला जाता है आओ नमाज के लिए, नमाजियों को बुलावा है। और कबीर ने सोचा ये अल्लाह को बुला रहे हैं। तो ये सारा गड़बड़ झाला हुआ है, हमने जानने का प्रयास नहीं किया। केवल इतना ही नहीं, कबीर ने और बोला, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। अब देखिए कि गुरु बताया जा रहा है, वो गुरु सही और गलत की पहचान नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। अच्छा, मैं जिम्मेदारी से अगर आप लोगों को पूछूंगा कि आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, वो किसान लोग माननीय मोदी जी के ऊपर नाराज हैं या संतुष्ट हैं, तो जरूर आप लोग निर्णय ले सकते हैं। किसान मोदी जी पर संतुष्ट नहीं है, और किसान आंदोलन तो कुछ है लेकिन यहाँ राजनेताओं का ही, वहां राजनेताओं की होड़ लगी हुई है। जबकि उन राजनेताओं किसी पार्टी के साथ कोई संपर्क और संबंध नहीं है। ये राजनेतागण कोई राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं तो कोई उनके वहां जा करके धरना दे रहे हैं, कोई उनके जा करके समर्थन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, ये सब गड़बड़ झाला इसी का ही नाम है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि परमात्मा ना किसी से दोस्ती रखता है और ना किसी से बैर करता है। अगर आप बोलेंगे या सवाल करेंगे क्या परमात्मा वाकई में दोस्ती नहीं रखता, हाँ परमात्मा दोस्ती रखता है। किनके साथ? जो परमात्मा के रास्ते में चलेगा परमात्मा उनको प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए कृपा और दया दो बातें अलग अलग है। वैसे ही परमात्मा की कृपा तो सब पर है लेकिन दया किसी किसी पर है। ऐसा हमारे माननीय कर्नल साहब की बहुत बड़ी दया है मेरे ऊपर, और ना मालूम किस किस तरीके से काम आगे बढ़े ये चिंता हमेशा कर्नल साहब को लगी रहती है कि पंडित जी का काम आगे कैसे बढ़े और लोग कैसे जाने और लोगों तक कैसे पहुंचे। इस सच्चाई को, केवल कहने का तात्पर्य है, ये सच्चाई को और लोगों तक कैसे पहुंचाए माननीय कर्नल साहब को ये चिंता रहती है। इसलिए मैंने बोला तो परमात्मा की जो कृपा है वो सब पर है, प्राणी मात्र पर परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का स्वाभाविक गुण है कृपा करना। पर दया किसी किसी पर होती है। दया किसी किसी पर कैसे होती कि परमात्मा के रास्ते में जो अग्रसर होते हैं परमात्मा उन पर कृपालु होते हैं। जैसा उदाहरण के रूप में मैं दावा के साथ कह रहा हूं और मेरा प्रैक्टिकल जीवन है, मैंने इसको आज 38 वर्ष में लगा हूं, मैं इसको प्रैक्टिकल करके देखा हूं कि जो परमात्मा पर आस्थावान है, जो नित्य प्रति दोनों समय परमात्मा के लिए संध्या उपासना करते हैं आदि आदि, वो जितना भी दुख पहाड़ के समान दुख क्यों ना आए वो राई के बराबर समझते हैं। शास्त्री जी कोई समाप्त कर, ठीक है शास्त्री जी।
हाँ अभी आज के अभी टाइम हो गया है तो हम कनेक्शन लेके आपको फिर दोबारा कनेक्शन करके कुछ समय में खत्म करेंगे। ठीक है जी, अभी कट जाएगा तो सभी लोग को निवेदन करता हूँ कि कृपया फिर जुड़ जाएंगे। तो मैंने निवेदन किया कि परमात्मा का स्वाभाविक गुण है दया करना, और दया केवल हम मानवों पर नहीं, परमात्मा की दया प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर, लेकिन परमात्मा की कृपा किसी किसी पर होती है। जो परमात्मा के लिए आसमान है, और ये सब इन सब बातों की जानकारी मिलती है सद्गुरु के पास से। अगर सिखाने वाले सद्गुरु ना हो, वैदिक विद्वान ना हो, वेदज्ञ विद्वान ना हो, वैदिक पंडित ना हो, तो ये ज्ञान मिलना संभव नहीं होगा। और ये जो गुरु आज जितने भी ये गुरुडम चल रहे हैं, ये गुरु कहेंगे कैसा कुछ भी हो जाओ, गुरु का नाम लो, गुरु का नाम लेने से बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु का नाम लेने से बेड़ा पार होने वाला नहीं है, लेकिन जो गुरुओं का भी गुरु है, जो ब्रह्मांड का मालिक है, उसे याद करने से ही हम मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, परमात्मा की असीम अनुकंपा है, क्योंकि मेरा जीवन जुड़ा हुआ था कहीं और अब जुड़ा हुआ है कहीं और। मैंने इसे नजदीक से जाना, परखा, समझा और इसको प्रैक्टिकल करके देखा कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है, ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, ऋषि मुनियों ने जो बतलाया है, वो अक्षर सत्य है, सही है, उसमें झूठ होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। पर उस सच्चाई को जानने के लिए हमें आना पड़ेगा उसी वैदिक विद्वानों के पास, वेद के जानकारों के पास। अगर वेद के जानकार नहीं होंगे तो आपको सही और सच्चा रास्ता नहीं बता पाएंगे। और कुछ गुरु तो ऐसे हैं कि अपने शिष्यों के गले में घास का माला पहना देते हैं, उसको कंठी बोलते हैं, कंठी माला पहना देते हैं। तो ये जो तरीका है, इस तरीका से मानव जीवन सफल होने के बजाय अंधकार के तरफ ही ढकेला है। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए यही सद्गुरु का उपदेश कि परमात्मा के साथ लौ लगाना, परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना। परमात्मा के पास साथ कनेक्ट होने के लिए परमात्मा को पहले जानना पड़ेगा। इसीलिए वैदिक विद्वानों ने, वैदिक गुरुओं ने परमात्मा का सही सही जानकारी कराया है अपने शिष्यों को, परमात्मा के बारे में सही सही जानकारी दिया है कि कौन है परमात्मा। अपने मनमानी तरीके से जिसको बोल, जिसको मन करे उसको परमात्मा बोलो, तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। और आज ये गुरु सब कह रहे हैं कि सब, कोई कृष्ण को परमात्मा कह रहे हैं, कोई राम को परमात्मा कह रहे हैं, कोई कुछ को कह रहे हैं, कोई कुछ को कह रहे हैं। अब इनको खुद को पता नहीं है कि ये आज ये नारा लगा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आपके उड़ीसा में बहुत है, उड़ीसा तो मंदिरों का प्रांत है, धार्मिक लोगों का प्रांत है। और ये जब बोलते हैं कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और फिर बोलते हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, पर इन अकल के दुश्मनों से आज तक किसी ने पूछा भी नहीं, और इनको खुद को जानकारी नहीं है कि राम का युग पहले था या कृष्ण का युग पहले था। जब राम का युग पहले था तो राम का नाम पहले आना चाहिए, ये कृष्ण का नाम पहले ले रहे हैं। मैं जब बेल्जियम में था तो वहां पर मंदिर में, वही इस्कॉन वाला मंदिर में जाकर के मैं पूछा, वो नहीं बता पाया। अब ये सब बंगाली लोगों का ही है, और ये सही पूछे तो अमेरिका के ही ये एजेंट है, ये सारा पैसा यहां से भारत से लूट करके अमेरिका ले जा रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को इसमें जरा सा भी
चिंतन नहीं, मनन नहीं, जानने का प्रयास नहीं कर रहे। यही है सद्गुरु। सद्गुरु वही है जो अपने शिष्यों को अपने साथ नहीं पेतु सृष्टिकर्ता के साथ पूरा पता बता करके ये जोड़ दे। इसलिए देखिएगा, गायत्री मंत्र में ही देखिए ना, गायत्री मंत्र में ही तो साफ बताया गया है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये जितने गुरुओं का नाम मैं लिया, ये मंत्र कोई नहीं गुरु बोलता है, और ना इनको पता है, ना इन लोगों को पता है, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, इन लोगों की मंत्र के बारे में जानकारी नहीं है। इस मंत्र का नाम गायत्री मंत्र बोला जाता है, इस मंत्र का नाम गुरु मंत्र भी बोला जाता है, इस मंत्र का नाम सावित्री मंत्र भी बोला जाता है, अनेक नामों से पुकारा गया इस मंत्र को। लेकिन बंधुओं, ये मत समझना कि यही जो मैं उच्चारण किया यही गायत्री मंत्र है। मंत्र का नाम गायत्री नहीं होता, गायत्री एक छंद का नाम होता है, जिस मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, उन 24 अक्षर वाला मंत्र को गायत्री छंद वाला मंत्र कहा जाता है। तो ये छंद का नाम है गायत्री। अब इसमें बोला क्या गया है देखिएगा जरा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। और ये लोग बोलेंगे ओम गुरुवाय नमः, ओम परमात्मा राय नमः नहीं, ये गुरु को नमन करेंगे, गुरु को नमन करेंगे, पर नमन तो परमात्मा को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? नहीं, किसी मंत्र में ही बोला गया ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। जैसे हमारे और आपके भी अनेक नाम है, हम किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भांजा है, किसी के मामा है, किसी के कुछ है, इस तरीके से हम एक हैं लेकिन नाम अनेक। तो ये वेद में आया है, एक अमसद विप्रा बहुधा बदंती, परमात्मा एक है, अनेक नामों से लोग पुकारते हैं, अनेक नाम। तो ओम जो नाम है वो उसका निज नाम है, मुख्य नाम है। ओम शब्द का अर्थ है सर्वरक्षक। एक शब्द में ही ऋषि दयानंद ने उठा करके दिया है कि ओम के माने है सर्वरक्षक, परमात्मा को छोड़कर और कोई रक्षा करने वाला नहीं। लेकिन आज के ये गुरु कह रहे हैं तुम्हारे रक्षक हम हैं, तुम्हारा पाप कितना ही क्यों ना हो जाए हमारे पास आ जाओ, हम क्षमा करवा देंगे। ईसाई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जो ईसा मसीह को क्रूसबंद किया गया वो हम ईसाइयों का सारा पाप वो ले गया। अच्छा मतलब वो गया कब और हम लोग कब हैं, कब हम पाप कर रहे हैं और हमारा पाप वो ले गया, बता रहे मतलब इससे और सस्ती दुकानदारी क्या है दुनिया में, इससे और आसान तरीका दुनिया में क्या है लोगों को पागल बनाने के लिए। और ये पागल बनने वाले लोग भी नहीं जानना चाहते कि भाई पाप हमारा कोई और ले जाइए कैसा होगा, खाएं हम और पेट किसी का भर ये कैसा होगा, अग्नि में हाथ हम डालें हाथ किसी और जले, ये संभव नहीं है। तो ये सारा काम जो है इन गुरुओं के द्वारा हो रहा है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने बहुत सरलीकरण करते हुए इस मंत्र का अर्थ दिया है, बतलाया है कि ओम परमात्मा का मुख्य नाम है जिसका अर्थ होता है सर्वरक्षक। भूर्भुवस्वः परमात्मा सुख का देने वाला, दुख विनाशक, प्राणों से भी प्यारा। तो फौरन बताएगा तत्सवितुर्वरेण्यम, इसीलिए हम आपको वरण करते हैं। अब परमात्मा को वरण किया, अगर इस मंत्र को बोलते हैं तो यहां वरण परमात्मा को किया जा रहा है, और परमात्मा को वरण करने के बाद भी परमात्मा को छोड़कर किसी और को गुरु मान रहे, ये है मुसीबत वाली बात। हम आपको वरण करते हैं, जब आपने परमात्मा को वरण कर लिया तो फिर उससे मांगा, क्या मांगा, धियो यो न प्रचोदयात, आप हमें दीजिए, क्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, बुद्धि विद्या दीजिए, कि इन दोनों बातों से ही मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव है। लेकिन ये सारा काम आज उल्टा हो रहा है, तभी ऋषि दयानंद को लिखना पड़ा कि अरे भाई सद्गुरु वही है
जो वेदज्ञ विद्वान हैं, जो वैदिक विद्वान हैं, वेदज्ञ पंडित हैं, जो वेद को जानते हैं, वेद के द्वारा ही परमात्मा का पता आपको बता सकते हैं। बाकी परमात्मा का पता वेद से अलग हट करके किसी भी किताब से, किसी भी ग्रंथ से, किसी भी शास्त्र से मिलना पाया जाना संभव नहीं। यही कारण बना कि हमारे सारे ऋषि मुनियों ने हमें यही उपदेश दिया, बैक टू वेदास, वेदों के तरफ लौटो। लेकिन हम लोगों ने उस वेद को छोड़ दिया, पाखंड को ही हमने अपनाया है। इसलिए हमें और आपको इस पाखंड से हटना पड़ेगा, पाखंड से अलग होना पड़ेगा, पाखंड को दूर करना पड़ेगा। और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूँ, पूज्य आचार्य जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आचार्य जी के सानिध्य में हमारे ये युवा भाई जुड़े हैं। इस तरीके से रोजाना का कार्यक्रम जो ये चल रहा है, मैं जितना भी तारीफ करूँ, जितना भी साधुवाद दूँ, जितने भी प्रशंसा करूँ, उतना ही कम और थोड़ा है। मैं चाहूँगा ये निरंतर आप लोगों का प्रयास सफल से सफलतम की ओर जाए और मानव मात्र को ये सच्चाई के नज़दीक में आप ले जाएं, सच्चाई मानव मात्र के सामने आप प्रस्तुत करें, उपस्थित करें इन वेदों के द्वारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते के साथ।